क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलिया आने के बाद से ही कई खिलाड़ी चोट की समस्या से परेशान हैं। पहले पृथ्वी शॉ अभ्यास मैच में चोटिल हो गए तो फिर रविचंद्रन अश्विन और रोहित शर्मा चोटिल हुए। वहीं हार्दिक पांड्या तो एशिया कप के बाद से ही टीम से बाहर थे। अब टीम इंडिया मैनेजमेंट और बीसीसीआई के बीच खिलाड़ियों की चोट को लेकर जंग छिड़ गई है। तो ऐसे में भारतीय टीम में इस वक्त कौन खिलाड़ी फिट है और तीसरा टेस्ट मैच खेलेगा और कौन है अनफिट जो रेस से ही बाहर है वो हम आपको बताते हैं। और हाँ, इस पर आप भी कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं धाकड़ रोहित शर्मा की। तो रोहित पीठ में खिंचाव के कारण पर्थ टेस्ट नहीं खेल पाए थे। उसके बाद रोहित की कोई जांच भी नहीं हुई, अभी बेहतर नजर आ रहे हैं। कोच ने भी मेलबर्न टेस्ट के लिए हरी झंडी तो दिखा दी है, लेकिन थोड़ा सा सस्पेंस रोहित पर अब भी बना हुआ है कि आखिर उन्हें हुआ क्या है, ये कोई नहीं बता रहा। दूसरा नाम है मयंक अग्रवाल। जी हाँ, चोटिल पृथ्वी शॉ की जगह टीम में शामिल किए गए मयंक अग्रवाल मेलबर्न टेस्ट में खेलने के प्रबल दावेदार हैं, लेकिन संडे को प्रैक्टिस सेशन के दौरान वो भी चोटिल हो गए। थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट आर राघवेंद्र की एक बॉल उनके हाथों पर जोर से लग गई। हालांकि चोट को गंभीर नहीं बताया जा रहा, लेकिन फिर भी मुश्किल तो है। अब तीसरा नाम है हार्दिक पांड्या। लंबी इंजरी के बाद टीम में वापसी कर रहे हैं हार्दिक पांड्या। रणजी ट्रॉफी मैच खेलकर अपनी फिटनेस भी साबित की है, लेकिन टीम मैनेजमेंट उनकी फिटनेस को लेकर अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में पांड्या पर फैसला आखिरी वक्त में होगा। अगला नाम है रविचंद्रन अश्विन। पेट के बाईं ओर की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण पर्थ टेस्ट में बाहर बैठना पड़ा, अभी भी पूरी तरह फिट नहीं है। ट्रेनिंग के दौरान बिना रनअप के कुछ बॉल फेंकी, अगले 48 घंटों में उनकी फिटनेस पर नजर रखी जाएगी। उनका तीसरे टेस्ट मैच में खेलना मुश्किल नजर आ रहा है। अगला नाम है रविंद्र जडेजा। टीम मैनेजमेंट का कहना है कि जडेजा पूरी तरह फिट नहीं है, उन्हें कंधे में दर्द है, जबकि बीसीसीआई कह रहा है कि जडेजा पूरी तरह फिट है। अब ऐसे में जडेजा पर भी फैसला आखिरी वक्त में होगा, लेकिन सस्पेंस बना हुआ है। तो ये हैं कुछ नाम जिनकी इंजरी के लिए लोग खासे परेशान थे। अब देखना ये होगा कि इनमें से किसे टीम में जगह मिलती है, किसे नहीं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।